हेलो एवरीवन, आज हम लूज मोशंस और वोमिटिंग, जिसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों का मोशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है या मोशन का कंसिस्टेंसी अगर पतला होता है तो उसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। अगर मोशन के साथ में अगर ब्लड आता है तो उसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। तो ये कंडीशन रेनी सीजन में बहुत कॉमन है। लूज मोशंस और वोमिटिंग के कारण बच्चों का शरीर का पानी कम हो जाता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। पानी का कंटेमिनेशन हो गया, खाने में कंटेमिनेशन हो गया, उसके कारण होता है। तो हमको खाने के बारे में और बाहर का पानी वगैरह पीने के बारे में प्रिकॉशंस लेना चाहिए। हैंड वॉशिंग बहुत बार हेल्प करता है ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। अभी इन्फेक्शन होने के बाद शरीर का पानी कम होता है, तो उसके लिए हमको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेबी को देना है, जिससे बेबी का डिहाइड्रेशन न होना चाहिए। वोमिटिंग से बेबी का फूड इंटेक भी कम हो जाता है, तो उसके लिए हमें वोमिटिंग कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन लगेगी, जिसका हमको रेगुलरली यूज़ करके वोमिटिंग कंट्रोल करना है। लेकिन अगर वोमिटिंग ओरल मेडिसिन से कम नहीं होता है तो हमको कुछ इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में आने का ज़रूरत पड़ सकता है। वोमिटिंग जल्दी कम होता है, लेकिन लूज मोशंस कम होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी में जो भी वायरस या बैक्टीरिया है उसको क्लियर होने के लिए टाइम लगता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको कुछ डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए प्रोबायोटिक्स वगैरह रहते हैं, जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका भी कई मात्रा में हेल्प करेगा। जिंक सप्लीमेंटेशन इज अनदर थिंग, जो कि हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो इंटेस्टाइन में डैमेज हुआ है उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। तो ये तीन मेडिसिन जो है, प्रोबायोटिक्स, जिंक सप्लीमेंटेशन एंड ORS, दीज आर द की factors as far as preventing dehydration as well as improving the babies faster from these problems of loose motions and vomiting.